हिंदुस्तान में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें पीएम नरेंद्र मोदी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है, तो उनकी सुरक्षा भी सबसे कड़ी है। हिंदुस्तान में पीएम मोदी की सुरक्षा कैसे होती है? मोदी को विदेशों के अलावा देश में भी आतंकी, माओवादी और दक्षिणपंथी संगठनों से पीएम मोदी की जान को सीधा खतरा रहता है। आपको समझाते हैं कि दुनिया के सामने अपनी अलग साख बनाने वाले पीएम मोदी को कौन सी सुरक्षा एजेंसी किस तरह से महफूज रखती है। दरअसल देश में पीएम मोदी की सिक्योरिटी का प्लान एसपीजी फाइनल करती है। प्रधानमंत्री के काफिले में एसपीजी से लैस स्कॉर्ट कार होती है। मोदी बीएमडब्ल्यू 7 हाई सिक्योरिटी कार में सवार होते हैं। ये बुलेट प्रूफ होती है। बीएमडब्ल्यू 7 हाई सिक्योरिटी की दो कार काफिले में साथ साथ चलती हैं। दिल्ली पुलिस के करीब 1000 से ज्यादा गार्ड हर वक्त पीएम के आसपास रहते हैं। इसके अलावा एसपीजी से लैस एक स्पेयर कार, एक एम्बुलेंस कार, एक टेल कार भी साथ चलती है, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं। एक साथ दो रूट बनाए जाते हैं। आखिरी समय में पीएम का रूट फाइनल होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि पीएम की सुरक्षा के लिए कौन से हथियारों का प्रयोग किया जाता है। पीएम के सुरक्षा कर्मियों के पास MP5 गन होती है, जिससे एक बार में 36 राउंड गोलियां निकलती हैं। 36 राउंड रिजर्व में होती हैं, यानी एक बार में 72 गोलियां MP5 से चलाई जा सकती हैं। ग्लॉक पिस्टल से लैस सुरक्षा कर्मी भी काफिले में मौजूद रहते हैं। ग्लॉक पिस्टल से एक बार में 15 गोलियां चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा पीएम के सुरक्षा कर्मी AK-47 और AK-56 राइफल और कई विदेशी हथियारों से लैस होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मोदी को अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा खतरा है। पीएम के काफिले में बम निरोधक दस्ता भी साथ चलता है।